राजधानी रांची के सुप्रसिद्ध जगन्नाथपुर मेला और रथ यात्रा की आयोजन एवं विधि व्यवस्था को लेकर रांची के समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में रांची के उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित मेले की तैयारी से जुड़े संबंधित सरकारी विभाग सहित मेले के आयोजन में लगे सामाजिक संगठनों का बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मेले के आयोजन को सफल बनाने हेतु उपायुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों से विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई एवं कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से वॉच टावर लगाने एवं माइक लाइट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पेयजल की व्यवस्था हेतु डीप बोरिंग करने एवं बिजली जनरेटर की व्यवस्था करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। नीले परिसर में साफ सफाई और शौचालय को लेकर बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की स्थानीय थाना प्रभारियों को आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया। जैसा कि आप अवगत हैं कि 20 तारीख से जगन्नाथ मेला यात्रा शुरू हो रही है और इस वर्ष काफ़ी बड़े पैमाने पे श्रद्धालुगणों के आने की संभावना है, तो उसी लिहाज से उसी दृष्टिकोण से तैयारियों को भी बहुत ही उच्च स्तर का बनाया जा रहा है। तो उसी आलोक में जिले के सभी अधिकारीगणों के साथ आज विस्तृत समीक्षा बैठक होगी। पुलिस पदाधिकारीगण, मेले के जो धार्मिक न्याय समिति के सदस्यगण हैं वह, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग हो गया, नगर निगम, अग्निशामन, सभी के साथ बैठक हुई और विस्तार से हर एक बिंदुओं पे चर्चा हुई और कैसे कैसे उन सभी की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाएगा उसके बारे में सबको अवगत करा दिया गया। कहाँ कहाँ पे वॉच टावर्स बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ कहाँ पे बिजली की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ मोरम और छाई को बिछाया जाना है, कहाँ कहाँ पे चिकित्सक और एम्बुलेंस को लगाया जाएगा, कहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी रहेंगी। इस बार चलंत शौचालय को भी कई जगहों पे इंस्टॉल किया जाएगा। प्रयास ये चल रहा है कि बायो टॉयलेट भी कुछ एक संख्या में हम लोग इस बार से शुरू करें, जिसमें कि रख रखाव में कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांस मछली तथा शराब के विक्रय पर मेला क्षेत्र में रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था चारों तरफ से निर्धारित किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश भी इस एरिया में बंद रहेगा। विभिन्न वाहनों के लिए भी जारी किए जाएंगे। विभिन्न समितियों के स्वयंसेवक लोग भी स्वयं यहाँ वॉलंटरी सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी पास जारी किए जाएंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे मेला परिसर क्षेत्र में रहेगी। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, वहीं पर सीसीटीवी के सारे फुटेजेस भी लगातार लाइव टेलीकास्ट होते रहेंगे और जितने भी मैजिस्ट्रेट और पुलिस पूरे मेले क्षेत्र में लगे हुए हैं उन सभी के बीच में आपसी समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। एक दिन पहले 19 तारीख को नेत्रदान का भी एक धार्मिक संकल्प रहता है, उसकी भी तैयारियाँ बखूबी कराई जाएंगी। जितने भी सदस्यगण आए थे उन्होंने बीते वर्षों के अपने अनुभवों को भी साझा किया और उसके हिसाब से भी जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाने हैं वह हम लोग लेते रहेंगे। तो कुल मिला के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त तरीके से मेले के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए संकल्पित है और मैं अनुरोध करता हूँ पूरे नगरवासियों के साथ, पूरे रांची जिले वासियों के साथ, कि इस मेले के सफलतापूर्वक आयोजन में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य समर्पित करें। धन्यवाद। थैंक यू।